हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, अगर आपको वात यानी वाई से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है या शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है और इन दोनों कारणों से यानी कि वात बढ़ने से और कैल्शियम की कमी के कारण आपकी हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐठन आ चुकी है, जोड़ों में दर्द होता है या घुटने की हड्डी में या घुटने के लिगामेंट्स में दर्द रहता है, या फिर इन सभी समस्याओं के लगातार रहने के कारण आपको जॉइंट पेन यानी कि अर्थराइटिस की समस्या हो चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद है। क्योंकि दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वात यानी वायु शरीर में क्यों बढ़ती है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं और इसका इलाज हम प्राकृतिक तरीके से अगर करना चाहें, एलोपैथिक से नहीं करना चाहें, तो कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे, और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी में वात आखिर बढ़ती क्यों है। खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता यानी खाना जब पचता नहीं है ना, खाना जब सड़ जाता है, तो वो सड़ा हुआ खाना जो है बॉडी में वात यानी वायु को बढ़ाता है। इसके अलावा जो लोग खाना खाने के बीच में ठंडा पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो उसके कारण जो है खाना पच नहीं पाता और बॉडी में वात बढ़ती है। इसके अलावा जो इंसान खड़े होकर पानी पीते हैं, तो भविष्य में उनके जोड़ों में दर्द होना स्वाभाविक है। बुजुर्गों का कहना है कि पानी हमेशा बैठ कर पीना चाहिए, नहीं तो घुटने में दर्द हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जिसके कारण जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं ना, वो बॉडी से बाहर नहीं हो पाते यानी बॉडी में स्टोर रहने लगते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहचान की, बॉडी में वात बढ़ने की क्या पहचान है, ताकि आप ऐसे ही पेन किलर यानी दर्द को दूर करने वाली दवाइयां ही ना खाते रह जाएं। वात का प्रकोप बढ़ने से पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। जैसे ही वात यानी वायु शरीर में घूमती है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। ये केवल हड्डियों का दर्द ही नहीं बल्कि मांसपेशियों में भी दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, स्किन जो है यानी त्वचा जो है वो ड्राई रहने लगती है, पेट में अफारा आने लगता है, ये इसकी पहचान है। तो दोस्तों, चलिए अब अपने बात करते हैं इलाज के बारे में। आपको मैं इलाज जो बता रही हूँ ना, वो हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में बताया गया है, जो वाग्भट ऋषि जी ने आज से हजारों साल पहले लिखी थी। तो इसमें तीन चीजों का यूज किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल आपने सुबह खाली पेट करना है। तो इसको बनाना कैसे है अपने वो भी जान लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो हम यूज कर रहे हैं वो है हल्दी। हल्दी के फायदों के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय के हिसाब से कि हल्दी हमारे शरीर में वात यानी वायु को कैसे दूर कर सकती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके अंदर अच्छी मात्रा में करक्यूमिन होता है, ये तो आप जानते होंगे, जो हमारे जोड़ों में से यानी कि जॉइंट में से वात यानी वायु को दूर करने का काम करता है। अगर जोड़ों में इन्फ्लेमेशन आ चुकी है यानी स्वेलिंग आ चुकी है, सूजन आ चुकी है, उसको भी दूर करने के लिए हल्दी काफी फायदेमंद है। इसके अलावा इसमें एंटी कैंसर गुण होते हैं, ये हार्ट अटैक से हमें बचा कर रखती है, बॉडी में से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है काली मिर्च। काली मिर्च हमारी नसों की ब्लॉकेज को तो खोलती ही है, साथ में बॉडी में से वात यानी वायु को भी दूर करती है। तीसरी चीज जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है घी, यानी देसी घी इस्तेमाल करना है, बस थोड़ा सा। तो जानते हैं इसे कैसे बनाना है। एक गिलास पानी लेना है, वो भी बिल्कुल गर्म उबलता हुआ आपने एक गिलास पानी ले लेना है और उसे गिलास में डाल लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको एक गिलास के हिसाब से बता रही हूँ, आप इसे ज़्यादा स्टोर करके बना कर रख सकते हैं। तो आप क्या करिए, 1/4 चम्मच यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी ले लीजिए, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा ही आपने देसी घी लेना है, और आपने 1/4 चम्मच का भी आधा हिस्सा काली मिर्च का पाउडर लेना है। इनको आप मिक्स करके रख लीजिए, इसको मिक्स कर लीजिए और इस गरम गरम पानी के अंदर डाल लीजिए। सुबह बासी मुंह खाली पेट इसे पी लीजिए। ऐसा करने से बॉडी में बनने वाली जितनी भी वात है, वायु है, वो शरीर से बाहर हो जाएगी। वात बढ़ने से हड्डियां कमजोर हो रही हैं, घुटने दर्द करते हैं, घुटनों के लिगामेंट्स में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐठन आ चुकी है। बॉडी में वात बढ़ने के कारण आपका पूरा शरीर एक अकड़न सी महसूस करता है। तो ये फॉर्मूला बनाना भी बहुत आसान है, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। बस सुबह खाली पेट क्या
करिए, गरम गरम पानी कीजिए एक गिलास और उसके अंदर आप 1/4 चम्मच इस मिश्रण का मिक्स करके पानी के अंदर सुबह खाली पेट चाय की तरह पी लीजिए। ऐसा करने से बॉडी में से वात 100% चली जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है और आप रोजाना इसके लिए मेडिसिन खा रहे हैं तो मेडिसिन भी छूट जाएगी, इतना पावरफुल नुस्खा है। और तो ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपके कोई ऐसे सवाल है कि आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते तो आप मुझे मेल कीजिए, मेरी जीमेल आईडी है divyadhawanhealthtips@gmail.com। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।